हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल सबके सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि किसी इमेज पे या किसी फोटोग्राफ पे किस तरह से रेनबो बनाया जाता है, रेनबो क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, एक पिक्चर ले लेते हैं जिस इमेज पे भी आपको रेनबो बनाना है। जी हाँ, चलिए, ये एक अच्छा सा इमेज है। यहाँ पर हम एक रेनबो तैयार करते हैं, किस तरह से रेनबो बनाना है। जी हाँ, सबसे पहले आएंगे रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे। इस रेक्टेंगुलर मार्की टूल को क्रिएट करेंगे सबसे पहले। जी हाँ, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल हमने क्रिएट कर लिया। ये एक लेयर ले लेंगे। जी हाँ, अपने क्योंकि मैंने बैकग्राउंड पे ये इमेज को लिया था, इसके ऊपर एक लेयर लेंगे और लेयर पे ये हमारा सिलेक्शन बना हुआ है। इस सिलेक्शन में रेनबो का कोई कलर फिल करेंगे। तो रेनबो का कलर किस तरह से हम फिल करते हैं, आइए। यहाँ पे टूल्स में, फोटोशॉप के टूल्स में एक ऑप्शन यहाँ पर होता है ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट टूल। तो ग्रेडियंट टूल जैसी हम सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर मेनू बार में कुछ सिलेक्शंस आ जाते हैं, कुछ सेटिंग्स आ जाते हैं कि किस तरह से आपको ग्रेडियंट्स लेने हैं। ठीक है, तो जी हाँ, देखिए यहाँ पर कुछ ग्रेडियंट्स हैं जिसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, एक रेनबो का ये अच्छा सा है, इसको क्लिक कर लेते हैं। जी हाँ, ये सिलेक्शन किया हुआ है। यहाँ पर रखना है लीनियर ग्रेडियंट। देखें, ये लीनियर ग्रेडियंट पे आपको रखना है। ओके, ओपेसिटी 100% रखना है, 100% रख लिया हमने। और इस सिलेक्शन पे आकर के क्लिक करना है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो आपकी जो लाइन होगी वो सीधी होगी। तो और ये करके आप छोड़ दीजिए। देखिए, ये हमने ग्रेडियंट फिल कर दिया। अब मेरा ग्रेडियंट फिल हो गया है तो एक काम और करते हैं। यहाँ पे इस ग्रेडियंट पे मैं एक मास्क लगा देता हूँ। मास्क लगाने से फ़ायदा ये होगा कि जो ये हमारी तस्वीर है, इस पूरी तस्वीर पे ग्रेडियंट पे कुछ भी हम छेड़ेंगे बाद में, कुछ भी अगर ब्रश यूज़ करना हो या कुछ भी यूज़ करना हो, तो ये जो पूरा लेयर हमारा लिया हुआ है, इस पूरे लेयर पर कुछ काम नहीं होगा। जो हमारा सिलेक्शन पे जो हमने मास्क लिया है, सिर्फ उतना पे ही काम करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम एक मास्क लगा दिए। अब देखिए, मास्क लगाने के बाद क्या हुआ। जी हाँ, मास्क लग जाने के बाद क्या करेंगे कि फिर से इस वाले जिसमें हमने ग्रेडियंट लिया था, इस वाले टैब पे आ जाएंगे। जी हाँ, इस पे आने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस यानी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म लेने के बाद इसे हम राउंड से इस तरह से मूव कर देंगे, जिस तरह से मुझे रेनबो रखना है। जी हाँ, जिस तरह से रेनबो रखना है, इस तरह से रेनबो रखना है। इसे उठाकर आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। इस तरह से रेनबो रखना है। जी हाँ, ये हो गया। अब इस पे राइट क्लिक करें। ये जो सिलेक्शन बना हुआ है ट्रांसफॉर्म का, इस पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे वार्प का, इस पे वाप पे आप क्लिक कर दें। वाप पे क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स कर लेंगे कि मुझे किस तरह से सेटिंग्स बनाने हैं रेनबो के। तो रेनबो टाइप सेटिंग्स बनाते हैं यहाँ से, इस तरह से आप जिधर आप ड्रैग करेंगे माउस से, उस तरह से ये क्लिक होता जाएगा। ये बाहर तक कर ले, अच्छा लगेगा देखने में। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जिस तरह से सेटिंग बनानी है। जी हाँ, इसे थोड़ा सा और, इसे और खींचेंगे, इसे इस तरह से खींचेंगे।
जी हाँ, इसे भी आप खींच सकते हैं, थोड़ा बीच से आप अंदर थोड़ा कर दें, बीच से थोड़ा अंदर कर दें, इसे थोड़ा इस तरह से कर दें। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक टिक का बटन, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। जी हाँ, ये क्लिक करने के बाद जिस तरह से हमने बनाया ये हो गया हमारा। ये कर लेने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है नॉर्मल का, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे दो आइकन बना हुआ है अप एंड डाउन का, तो इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप सिलेक्शन बना लें कलर, यानी आप कलर ले लें। कलर लेते के साथ हमारा इस तरह का बन गया। इसमें कुछ और करना है मुझे? जी हाँ, क्या करेंगे? पहली चीज़ तो ये करेंगे कि यहाँ से ब्रश सिलेक्शन करेंगे, यानी जो रेनबो है, रेनबो हमारी इस जो पहाड़ी है, जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं इसके ऊपर आ रहा है, इसको मुझे बैकग्राउंड में डालना है। यहाँ पे बैकग्राउंड में डालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से ब्रश का सिलेक्शन कर लेंगे। ब्रश ले लिया हमने, ठीक है, और इस तरह से आप कोई भी एक ब्रश सिलेक्शन कर लें। हार्डनेस आप ठीक है, साइज़ को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, हार्डनेस थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। जी हाँ, इस तरह से हमने ले लिया। और यहाँ से ब्रश के साइज़ को अगर आप कीबोर्ड से बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्क्वायर का एक बटन है, इसको आप कंट्रोल इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं ब्रश को। जैसे ही ये इस एरिया को मुझे डिलीट करना है, इस एरिया को डिलीट करेंगे तो किस तरह से, इस तरह से, ये देखिए सफाई आप जितना बेहतर रखें उतना ही अच्छा लगेगा। ये सफाई आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड कि आप किस तरह से कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ काम और बाकी है जो अभी करेंगे, तो जो भी अब ऊपर से भी आप चाहते हैं कुछ कम करना तो कर सकते हैं। हार्डनेस इसका कम कर लें, हार्डनेस जीरो कर दें, ओके, और ओपेसिटी भी कम कर लें, ओपेसिटी कम कर लें, फ्लो कम कर लें, और ऊपर से भी अगर कुछ लगता है आपको इस तरह से तो आप ऊपर से भी कर सकते हैं हल्का हल्का, बस थोड़ा सा। जी इस तरह से हो गया। अब आएंगे इस रेनबो पे, मूव टूल पे गया। जी हाँ, इस रेनबो की ओपेसिटी यहाँ से कम होती है, कंट्रोल प्रेस करके आप इसकी ओपेसिटी आप कम कर सकते हैं। जी हाँ, रेनबो की कैपेसिटी कम हो गई, आप जितना चाहें उतना कम कर सकते हैं, कम करना चाहें कम कर लें, बढ़ाना चाहें आप बढ़ा दें, 100% कर सकते हैं आप, लेकिन रेनबो थोड़ा कम होता है, आप 50-50 के आसपास रखें अच्छा रहेगा। 50 के आसपास रखने से देखने में भी अच्छा लगेगा कि ये लग रहा है कि रेनबो है, ये थोड़ा और कम कर लें और अच्छा लगेगा। जी हाँ, तो इस तरह से रेनबो क्रिएट करते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सीख लिया है कि रेनबो किस तरह से बनाते हैं, किसी भी इमेज पे रेनबो किस तरह से बनाते हैं। अब चलिए एक चीज़ और यहाँ पे मैं जाते जाते बता देना चाहता हूँ कि ये हमने रेनबो तो क्रिएट कर लिया एक इमेज पे, क्रिएट करने के बाद इसे सेव करना है। सेव कैसे करें? कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस करें। कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करने के बाद आपको एक ऑप्शन देगा कि आपको सेव कहाँ करना है। जी हाँ, या फिर फाइल में आप जाएं, फाइल में यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है सेव और सेव एस का। यहाँ पे देखिए शॉर्ट शिफ्ट कंट्रोल और एस, सेव पे जाएंगे तो कंट्रोल और एस, तो सेव एस कर सकते हैं आप। सेव एस करके आप डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं डेस्कटॉप पे कर लीजिए। इमेज आप यही रहने दिए, फोटो PSD ये सेव कर लेते हैं। जी हाँ, सेव कर लिया। अब ये PSD हमारा सेव, यानी कि जिस तरह से हमने लेयर में काम किया था ये PSD फॉर्मेट सेव हुआ। अब इसी को PNG यानी कि JPEG फॉर्मेट में अगर आपको करना हो तो फिर आप किस तरह से करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट एस फिर से प्रेस करें और यहाँ पर एक PNG है, ये एक JPEG है, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट आप ले लें ताकि जब इसे किसी को दिखाना हो या खुद कहीं
सेव करना हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपको लगाना हो, तो आप डायरेक्ट एक इमेज के तरह इसको लगा सकते हैं। लेकिन PSD रहेगा तो वो, क्योंकि PSD काफ़ी बड़ी फाइल हो जाती है, उसको आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप PNG या JPEG सेव कर लें। इसे सेव करेंगे, ये एक इमेज की तरह सेव हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, इस तरह से आप रेनबो तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ दूसरे टूल्स को देखेंगे, कुछ नई चीज़ें देखेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में आज के लिए बस इतना काफ़ी है। फ्रेंड्स, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। जिस तरह से भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में लिखें, आप मेल करें, उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।